फ्रेंड, आज का अपना वीडियो है मैथ में 1 to 10 नंबर्स हैं। पिछले वीडियो में हुआ था अपना काउंटिंग, राइट काउंटिंग हो गई थी 1 से 100 और बैकवर्ड काउंटिंग हो गई थी 100 से 1। तो आज अपना क्यों कौन सा होगा 1 से 10 नंबर्स हैं, 1 to 10 नंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहले होंगे 1 से 10 नंबर हैं। 1 से 10 नंबर हैं में सबसे पहले कौन सा होगा, पहले सबसे पहले मुझे बनने से लाइन बनानी है। राम से आगे से राम लेना है, राम लेने से भी ओ एन टी दस लेटर्स को आपको अपनी आएंगे नहीं
ये अपने क्या हुआ, हो गए 1 से 10 नंबर्स में। तो परसों लेटर्स में और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। इधर बना लेंगे दस मीटर। जैसे दिखने में ये वाले सुंदर दिखते हैं, दिखने में ये वाले जीरी होते हैं। जैसे नर्सरी क्लास एलकेजी वाले बच्चे ये लिख पाते हैं, ये वाले नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। छोटे बच्चों से एलकेजी क्लास के लिए अगर ये चीज़ को करते हैं तो उनको ये वाले लिखते हैं, ये वाले हैं एलकेजी के लिए। एलकेजी का बच्चा ये आसानी से लिख सकता है, यूकेजी का बच्चा ये लिख सकता है। ये तो लिख नहीं सकता है, ये एलकेजी में करवा दिया गया था। यूकेजी के अंदर ये होता है, यूकेजी के अंदर हर वर्ड टफ क्या होते हैं, वैसे सिंपल भी नहीं होते हैं। इजीली कर्सिव लेटर्स इजी है वैसे, और देखने में सुंदर सुंदर दिखे हैं। ओ एन ई वन टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर डबल ई डी एफ ओ यू आर फोर एफ आई डी फाइव एस ई सिक्स एस आई एफ सिक्स एस ई वी ई एन सेवन ई आई सी एच टी एन आई एन ई नाइन डी ई एन टेन। वन मीन्स एक, टू मीन्स दो, थ्री मीन्स तीन, फोर मीन्स चार, फाइव मीन्स पाँच, सिक्स मीन्स छः, सेवन मीन्स सात, एट मीन्स आठ, नाइन मीन्स नौ, टेन मीन्स दस। जैसे इंटर वाला ना हिंदी में तो वन टू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये दस। तो क्या हो गया, ये 1 से 10 तक नंबर हैं इंग्लिश। ये इंग्लिश के अंदर हो गए, ये मैथ के अंदर हो गए, ये हिंदी के अंदर हो गए। बच्चे तीनों सब्जेक्ट में जैसे बच्चे को कहा जाए कि इंग्लिश में नंबर्स हैं, देखो कि ये वाले लिखते हैं, मैथ में लिखना है तो ये वाले लिखते हैं, इंग्लिश दो हिंदी में लिखना है तो सॉरी हिंदी में ये लिखना है। तो तीनों सब्जेक्ट साथ में है, हिंदी इंग्लिश मैथ। तो इसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश में वर्ड लिखो तो वर्ड लिखना है, ये लिखना है O N E। मैथ में 4 लिखो तो मैथ का 4 गया होगा। हिंदी में 6 लिखो, हिंदी में 6 लिखो, ये 6 हो गया, या 6 लिखो हिंदी में तो 6। इंग्लिश में 1, इंग्लिश में मैथ में 4, हिंदी में 6। तो क्या हो गया, ये अलग अलग है तीनों वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेवन इंग्लिश में सेवन लिखना है, आपको क्या लिखो गया, सेवन। फिर मैंने कहा कि मैथ के अंदर आपको सिक्स लिखना है, मैथ में लिख दिया। अब मैंने कहा हिंदी के अंदर लिखो ए, तो मीनस एड लिख दिया, ये क्या हो गया, वैसे लिखा सेवन सिक्स। तो सेवन इंग्लिश में, सिक्स मैथ में, एड हिंदी में लिखा, राइट किया मैंने। तो ये है तीनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में 1 to 10 नंबर नेम करवाए मैंने, वो लर्न होना चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि
मैथ थी वो सब्जेक्ट कैसे हो गए इसमें, तो कैसे हो गई थी इसमें, जैसे कि वन बच्चे बोलते हैं हिंदी मीडियम के स्कूल वाले बच्चे बोलते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अपने इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल को क्या बोलते हैं, टेंथ तक नंबर काउंटिंग बोलते हैं, तब ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये अपनी इंग्लिश मीडियम की हो गई, ये हिंदी मीडियम की हो गया, तो है दोनों काउंटिंग। जब नंबर नेम की बात आती है तभी हो जाते हैं नंबर नेम के लिए और ही वन। वैसे काउंटिंग होती है वन से टेन तक, ये हिंदी मीडियम की है, ये इंग्लिश मीडियम की टेन तक। अगर ये स्पेलिंग लेते हैं तो उसमें आ जाते हैं नंबर नेम, नंबर नेम बोलते हैं वन टू टेन काउंटिंग में, ये स्पेलिंग वाले को बोलते हैं नंबर नेम। ये हिंदी मीडियम की स्कूल की है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। और नंबर नेम बोलते हैं तब उनको ये हो जाता है ओन ई वन। तो इसलिए इनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ। इंग्लिश में करना तो ये है, मैथ में करना है तो ये है, इतनी की मैथड पे, और हिंदी में है तो ये है। जैसे बोलने में दो ही काउंटिंग होती है, मैथ और हिंदी, नंबर से में आ जाता है तो ये हो जाता है। लिखने का मैथड ये दो है, जैसे कि बच्चे से कहा गया कि वन से टेन काउंटिंग लिखो, वन से नेक्स्ट डे।